किसानों के बीच में घिरा ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मैनपुरी के एसडीएम साहब हैं, जहां उन्हें भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने अपनी एक महापंचायत में समस्याएं सुनाने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन किशनी तहसील परिसर में एसडीएम के साथ बदसलूकी की गई। हंगामे के दौरान जब उठने लगे तो किसानों ने घेर कर बंधक बना लिया, जबरन डेढ़ घंटा तक पंचायत में बैठाए रखा और मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के आह्वान पर किशनी तहसील परिसर में महापंचायत थी। बड़ी संख्या में किसान नेता इस महापंचायत में आए थे। नेतृत्व कर रहे भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एसडीएम को आमंत्रित किया था। एसडीएम राम नारायण लगभग डेढ़ बजे महापंचायत में किसानों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान जब किसान नेता अपनी मांगों को लेकर उग्र हुए तो एसडीएम राम नारायण वहां से जाने लगे। एसडीएम को उठता देख वहां मौजूद किसान नेताओं ने उन्हें घेर लिया और जबरन हाथ पकड़ कर वहां बैठा लिया। माहौल की गंभीरता को भांपते हुए एसडीएम डेढ़ घंटे तक वहां बंधक बने रहे। इस बीच किसान नेता अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर उनसे निस्तारण की बात कहते रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने एसडीएम को कहा कि वो अपने अधीनस्थों और कार्यशैली में सुधार कराएं। आरोप लगाया गया कि तहसील के लेखपाल बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते, सुधार नहीं हुआ तो वो लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। डेढ़ घंटे तक महापंचायत में बंधक बने एसडीएम को आखिरकार 20 फरवरी तक समस्याओं को निस्तारण करने का आश्वासन देना पड़ा। किशनी तहसील में आयोजित महापंचायत में एसडीएम के साथ की गई बदसलूकी और जबरन बैठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लेकिन जब एसडीएम किशनी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने जबरन बैठाने की बात से पहले तो इनकार कर दिया। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। We'll be right back.